वेलकम बैक दोस्तों। तो ये मोबाइल है वीवो का V9 जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, आपको दिखाए थे यहाँ पे। तो इसमें पैटर्न लॉक है और FRP लॉक, ये दोनों हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमको मोबाइल को पहले तो ओपन कर लेना है, ईडियल पॉइंट से करेंगे हम लोग। तो बहुत ट्राई किया यहाँ से पर हुआ नहीं, ये यहाँ से नहीं होगा। तो इसको ये वाला जो है वीवो V9, इसमें ईडियल पॉइंट आपको देख लेना है नेट पे। यहाँ पे जो बैटरी कनेक्शन है उसका नीचे दो पॉइंट है, उसको शॉर्ट करना है, हमको ईडियल पॉइंट में जाना है। और शॉर्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, डाटा केबल लगा देना है लैपटॉप का। तो डाटा केबल लगाएंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं। एक बार में अगर काम नहीं करता है तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से शॉर्ट नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ पे अच्छे से शॉर्ट कर लीजिएगा, फिर से कनेक्टर डाल लीजिएगा, ठीक है। ये हमको मिरेकल क्रैक फाइल से करना है, ठीक है। तो ये आराम से आप खुद से कर सकते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया, अब हम लैपटॉप पे आ गए। अब हमारा यहाँ पे मिरेकल थंडर है क्रैक का, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये कॉलकॉम का सेट है, ठीक है। कॉलकॉम का IC है, जो IC लगा हुआ है इसमें कॉलकॉम है। तो हम कॉलकॉम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पोर्ट पहले सेलेक्ट कर लेंगे आया कि नहीं, देख लीजिए पोर्ट आ गया। उसके बाद यहाँ फ्लैशिंग फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट फ्लैशिंग, यहाँ पे जाएंगे और एक फाइल हमको एडजस्ट करना रहता है साथ में लगा के। आप एक हम फाइल दे देंगे आपको, नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा, हम फाइल आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर या जहाँ कहीं भी। और ये फाइल हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और वो फाइल हम डेस्कटॉप पे रखे हैं। तो ये डेस्कटॉप पे चलेगा और नीचे यहाँ फाइल दिख रहा है, ऑल में हम करेंगे तभी दिखेगा। तो ये फाइल आ गया, उसको हमको ऐड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट करना है। ये पहले तो फॉर्मेट हो जाएगा, ये पैटर्न लॉक हट चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पैटर्न लॉक है, ये तो फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं, यहाँ फॉर्मेट सेबली आपका फॉर्मेट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपका FRP लॉक भी लगा हुआ है, फिर से आप वही मेथड कनेक्ट कीजिएगा, फिर से वही ईडियल पॉइंट में कनेक्ट करके। यहाँ पे FRP मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, जिससे भी आपका हो जाएगा। फर्स्ट वाला से हमारा हो गया, फिर से हम इस पर क्लिक कर लेंगे, हमारा साथ में FRP लॉक भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, ये फिर से बोल रहा है हमको रिकनेक्ट करने के लिए। तो चलिए हम इस पर अब आगे दिखाते हैं आपको कि ये हटा है कि नहीं पैटर्न लॉक और FRP लॉक। अगर लगा होगा तो ये मेथड 1 से कर सकते हैं, नहीं लगा होगा तब तक उसी से काम हो जाएगा। तो हम आते हैं अब मोबाइल की तरफ और यहाँ पे देख लीजिए ऑन हो रहा है। ऑन होने में 2-3 मिनट टाइम लगेगा, वेट कर लीजिएगा। यहाँ फास्ट कर लीजिए, हमारा पैटर्न लॉक हट चुका है और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया था, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा FRP भी लॉक नहीं था। तो सिंपली हमको सेटअप कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लोग। ऐसे ही वीडियो और हम लाते रहते हैं FRP और मोबाइल से रिलेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।